मिलाई जुड़ी आपकी सुपरहिट फिल्म रही और अब चल झूठा फिल्म के लेके आए हैं, हमेशा आपकी फिल्म में एक यूनिक होती है, संदेश परक होती है, क्या कहना चाहेंगे आज से कुछ आप मेहमान भी आए हैं, आपको शुभकामना देने के लिए मेहमान बहुत। जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। बात आपकी सही है कि मतलब कुछ ऐसे तथ्य हैं समाज में जिन पे फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। हम पिछली फिल्म जो बनाए थे रामलीला जोड़ी, उसको भी एक सामाजिक मुद्दे भी बनाए थे और सेम वैसा एक मुद्दा ये इस फिल्म में भी कर रहे हैं। टाइटल भले ही इसका चल झूठा है, लेकिन आप देखते होंगे कि मतलब इन 6 दिनों में बहुत ही अच्छी शूटिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ का मिल रहा है, फिल्म अच्छी बन रही है। मेरा प्रयास है कि जो सामाजिक जो मुद्दे हैं जिस पे मतलब हमारे जो मतलब दिनचर्या में मुद्दे हमेशा लगे रहते हैं, आते रहते हैं, हम सब का ध्यान जाता, हम लोग वही करते हैं जिस पर ध्यान जाता नहीं है, तो ऐसे मुद्दे पे हम फिल्म बनाएंगे ताकि वो मुद्दे, वो कमजोरियाँ, जब मुद्दे जो है मतलब हाईलाइट होंगे तो कमजोरी जो है वो मतलब हमारे से दूर होगी। तो हम चाहते हैं कि और भी जो अच्छे अच्छे मुद्दे होंगे उस पर हम फिल्म बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज फिल्म का 6वां दिन है, फिल्म बहुत अच्छे शूट हो रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और हमारे कुछ बड़े भाई लोग प्रतापगढ़ से आए हैं मिलने के लिए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में हैं, तो बाबूजी को चरण स्पर्श कर प्रणाम कि बाबूजी ने अपना अमूल समय दिया हमको, और जो भी होगा हम बाबूजी के दिशा निर्देश में काम करने के लिए तैयार हैं। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए अध्यक्ष जी। हमारे आपकी ये कोशिश बहुत ही आपकी ये कोशिश बहुत ही हाँ ठीक हाँ अमूल्य है, और जिस विषय पर आप ये काम कर रहे हैं वो आधुनिक विश्व के लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान का प्रकोप बढ़ा है, विज्ञान से तो बहुत कुछ मिला, उसको हम बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान की छत्र छाया में जिस तरह लोग गलत दिशा में जा रहे हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और श्रीमान जी, मुझे उम्मीद है कि श्रीमान जी अपने इस कार्य के द्वारा विश्व को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे, और उसी दिशा में इस समय अग्रसर भी है। आप क्या कहना चाहते? चंद्रकांत यादव हमारा नाम है, एडवोकेट हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं। इनकी अजय लाल जी की पिक्चर एक आई थी राम मिलाए जुड़ी, जो बहुत ही सामाजिक पिक्चर थी, और एक उसमें एक हमें और समाज को भी अच्छा लगा होगा कि एक अनपढ़ आदमी कैसे फिर अपनी उसकी बीवी छोड़ देती है, कैसे उसको ठेस पहुंचता है मन में, और वो पढ़ता लिखता है और अपने घर अपने परिवार को समझता है। इसी तरह ये भी सामाजिक पिक्चर ये सेट पे चले, लोगों को अच्छी भाव है, इसी शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग प्रतापगढ़ से आए हैं, और इनको हम प्रतापगढ़ से भी एक फिल्म शूटिंग करवाने के लिए सामाजिक जो समाज में चल रहा है उस पर एक विचार अपना बनाएं, और प्रतापगढ़ में ही शूटिंग करने के लिए इनको हम आमंत्रित करें और आवें और बढ़िया सा एक पिक्चर बनाएं। इन किसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम जी। धन्यवाद स्वामीनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया भैया, हम स्वामीनाथ भैया ने जो फिल्म बनाई है बहुत ही अच्छी लगी, अच्छा है। हम चाहेंगे हमारे यहाँ भी भैया जो है कि थोड़ा समय निकालें, वहाँ पर भी कोई सीन शूट करें, और ये फिल्म इतनी अच्छी जाए हम यही कामना करते हैं। अजय यादव जी की फिल्म चल झूठा की जो शूटिंग हो रही है यहाँ पे, मैं उसके लिए इनके सभी कलाकारों को अग्रिम बधाई देता हूँ कि फिल्म अच्छी चले, और जनपद प्रतापगढ़ से हूँ, जनपद प्रतापगढ़ में आएँ, और हम चाहेंगे कि वहाँ भी एक पिक्चर बनाएं, और उसके लिए जो भी होगा मदद की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, प्रतापगढ़ से चल के आए हैं, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए यथार्थ गीता का यथार्थ गीता हम लोगों ने ऐसे धर्म को क्या एक सतमार्ग पे चलने के लिए हम लोग बांटते रहते हैं, जिससे आप इस चल झूठा के नायक और नायिका को आज हमने दिया, जिससे सतमार्ग पे चले। चल झूठा का जो टाइटल है वो तो चल झूठा है, लेकिन ये सत्य गीता है, यथार्थ गीता है, जो सत्य है उसको अपने अंदर धारण किया जाए, ये अच्छा संदेश है। और इस पिक्चर के लिए, इस पूरे शूट के लिए, पूरी टीम के लिए, अजय लाल जी के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये भी समाज में एक खरी उतरी पिक्चर। धन्यवाद। फिर बोलें, आप बोल रहे थे, हाँ कर गया, बात पूरी कर लीजिए। आज जौनपुर जनपद के बादशाहपुर प्लेस पर चल झूठा पिक्चर के फिल्म के नायक और नायिका को हम अग्रिम बधाई देते हैं कि ये फिल्म
यहाँ पूरी हो रही है और यहाँ का पूरा सहयोग मिले, यहाँ की जनता का पूरा सहयोग मिले और अच्छी फिल्म चले। और हम ये भी चाहेंगे फिल्म और नायक और नायिका से कि जनपद प्रतापगढ़ में भी आएँ और वहाँ भी एक फिल्म शूट करें। इसके लिए जो भी सहयोग होगा पूरी तरह से मदद की जाएगी। अजय जी, कई दिनों से आपकी फिल्म चल झूठा की शूटिंग चल रही है जिसमें आप तीन हीरोइन हैं और इस समय आप हैं, एक और हीरो हैं प्रिंस जी और फिल्म की नायिका निशा जी हैं और सम्मानित व्यक्ति आए हैं भैया लोग जो है गेस्ट के तौर पे प्रतापगढ़ से चलकर आए हैं और इन्होंने यथार्थ गीता सदीक्षा भेंट किया है, क्या कहेंगे? सापरेम भेंट जो दिया है इन्होंने। देखिए भैया, सबसे पहले हम अपने दोनों भाई आदरणीय कृष्ण कुमार जी को और आदरणीय चंद्रकांत भाई जी को, दोनों जन को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहूँगा कि ये प्रतापगढ़ से चल करके आए, हमारे सेट पे आए हैं और हमारी प्यारी सी एक्ट्रेस निशा जी जी को और प्रिंस जी को इन्होंने एक सप्रेम यथार्थ गीता जी को भेंट किया है। इससे जो है हमें बहुत बड़ा अच्छा लगा है और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हम भैया जी को एक बार पुनः धन्यवाद देंगे। बस यही कहेंगे भैया कि ऐसे ही अपना प्रचार कर किया जाए ताकि मतलब जैसे आप बांट रहे हैं ये मतलब श्री कृष्ण भगवान जी की यथार्थ गीता हर जगह आप जो है मुझे सुनने में आ रहा है, पिछले साल भी आप बहुत हर जगह बांटे थे, इस बार भी जो है बांट रहे हैं, तो सर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम आपके जरिए ही इस कार्य का भी बढ़ावा मिले। कम से कम यथार्थ गीता हर जगह पहुँच रही है, हर घर घर पहुँचेगी, सब लोग पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, हमारा कल्चर जो सुधरेगा, तो इसमें आपका जो योगदान जो आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी प्रिंस जी, आप क्या कह रहे हैं सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते हुए यथार्थ गीता का? सर हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पे आए हैं शूटिंग करने के लिए, हमारे बड़े भाई लोग हमको सम्मान किए हैं और इस फिल्म का नाम है चल झूठा, तो शायद मेरा टाइटल चल झूठा जो है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। निशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी ज़िंदगी का लगता है मुझे सबसे खूबसूरत गिफ्ट ये है आज के डेट में जो इन्होंने दिया है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूँगी और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी चीज़ें अगर मैं इनके थ्रू, ये एक मैसेज भी आप लोगों को कि आप भी गिफ्ट ये भी हो सकता है। बिल्कुल, इससे क्या है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, चीज़ों के इतिहास के बारे में, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा और मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगी और मैं सजेस्ट करूंगी कि ये इन्होंने जो किया है वो आगे भी करते रहें, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम बधाई, अग्रिम बधाई देना चाहेंगे चल झूठा के नायक और नायिका को एडवांस में। बैठिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.